सब लोग हमका ढकियाई देत रहा सरकार, सब लोग हमका ढकियाई देत रहा। हमार बिटवा के मर जाए के बाद कोई हमका मदद नहीं कैले सरकार, नहीं कैले। हम सबके विनती कैले, हाथ जोड़ ली, हे महाराज हमार मदद करा, लेकिन कोई कुछ न कैलस महाराज। हमका ढकियाई देत रहा, हमका ढकियाई देत रहा सरकार। हम का करी सरकार, का करी। ये दुनिया एक तमाशा है और इसका किरदार है तू। ये दुनिया एक तमाशा है, इसका किरदार है तू। कुछ ऐसा कर चलो कि जाने के बाद लोग कहे वाह कितना अच्छा किरदार है तू। आइए केवी स्टूडियो के खास पेशकश कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में मैं आप लोगों को आज मिलवाता हूँ बारो गांव के कैसे निवासी से, जो कि अपने सामान्य जीवन को जीते हुए नौकरी को करते हुए रंगमंच से जुड़े और जब रिटायर कर गए, जब अवकाश प्राप्त कर लिए, तो अपने गांव के ही बारो में, बारो की मिट्टी में, जहाँ जिस मिट्टी को राष्ट्रकवि दिनकर की प्राथमिक पाठशाला का गौरव प्राप्त है, वहीं पर नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक प्ले स्कूल चला करके अभी अभी भी अपनी सेवा देने का वो काम कर रहे हैं, वो और कोई नहीं हमारे आज के इस खास पेशकश के अतिथि सुरेन राय जी हैं। के भी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बुलाया। मैं बारो ग्राम में रहने वाला एक साधारण सा आदमी हूँ और अपने जीवन में शुरू से ही कुछ कर गुजरने की इच्छा तमन्ना बना हुआ था जी। इसी में हम शुरू से ही कला से जुड़ने का प्रयास किया जी। बचपन से धीरे धीरे अच्छे अच्छे लोगों का संगत होता गया और आगे बढ़ते गए। इसी क्रम में पेट चलाने के लिए कुछ नौकरी भी करना पड़ा जी। हम रेल में नौकरी करते थे जी, टेक्नीशियन के जॉब में जी। उसके बावजूद भी हम नाटक में रिहर्सल करना या नाटक करना, उसमें पूरा समय देना, ये हमारी प्राथमिकता थी हमारे जीवन की जी। इस तरह से चलते रहे, नाटक भी चलता रहा और हम भी चलते रहे, नौकरी भी चलती रही। अब नाटक भी पूर्ण विराम में आ गया है और नौकरी भी पूर्ण विराम में आ गया। फिर सोचे अब क्या करें जी, अकेले तो बैठे मन लगेगा नहीं, क्योंकि हम तो सब दिन चलते रहे जी। तो एक प्ले स्कूल खोला गांव में जी, और उसी के देख रेख में अपना समय गुजारते हैं, उस छोटे छोटे बच्चों के बीच प्यार बांटते हैं, और तो कुछ करना है नहीं जी, बस इसी आनंद में जीते हैं जी। अंग्रेजी में एक कहावत है कि ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द मेन्स एंड वुमेन्स आर एक्टर एंड एक्ट्रेस। उसी के तहत इन्होंने भी अपने जीवन के रंगमंच पर बहुत ही अच्छी भूमिका बांधी है और एक सामान्य परिवार के व्यक्ति के लिए काबिल तारीफ है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि नौकरी करने के दरमियान आप रंगमंच से कैसे जुड़े और क्या क्या आप उसमें आप योग्यता आपने दिखाई। मैं कला से तो पूर्व से ही पढ़ाई लिखाई के समय ही स्कूल से ही जुड़ा था जी। तुलसी जयंती होता था स्कूल में तो लोगों को हंसाने का काम, कॉमेडी का काम किया करते थे साल में एक बार जी। इस तरह से उससे हम प्रभावित होते रहे और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते रहे जी। विशेष रूप से हमारे गुरुदेव विजय सिंह पाल थे जी, उनके सानिध्य में आने के बाद हम बहुत आगे बढ़ना शुरू कर दिए जी। यहाँ तक कि पहले तो गांव में खेलते थे नाटक जी, अब जिला में आए और जिला से राज्य में गए और राज्य से देश विदेश सब जगह गए, घूमे, नाटक किया और उन्हीं के सानिध्य में हम आगे बढ़ने का काम किया जी। कला नाटक हमको बहुत प्रभावित किया, इसलिए कि ये आत्मा को बहुत शांति देता था। किसी भी रोल में, किसी भी किरदार में जो भी मिलता था उसको मन से करने पर दिल को बहुत सुकून मिलता था जी। दुनिया को क्या अच्छा लगता था ये बाद की बात है,
पहले तो हम जो रोल करते थे हमको सुकून मिलता था जी, और जब हमको सुकून मिलता था तो निश्चित तौर पर आम जनता को भी दर्शक को भी अच्छा लगेगा ही, जो दिल से निकलता है लोगों को अच्छा लगेगा ही जी। इसीलिए हम इससे जुड़ते चले गए जी, और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हमको क्या करना है जी। अगर हम नाटक में नहीं रहते हो सकता था हम नौकरी में और आगे बढ़ते जी, उसी पर ध्यान लगाते जी, लेकिन जो आत्मा की शांति थी वो नौकरी में नहीं था। नौकरी तो सिर्फ पेट पालने के लिए था जी, आत्मा की शांति के लिए तो हमको नाटक ही अच्छा लगा जी, और इसने हमको बहुत कुछ दिया जी, बोलने का, चलने का, उठने का, बैठने का, और अच्छे अच्छे लोगों का संगत, ये सब नाटक हमको दिया है जी। और अभी बड़े सुकून के साथ जीते हैं, इसी भाव से जीते हैं। और सबसे बड़ी बात तो नाटक में ये है कि वर्तमान में जीने की आदत जी ये दिलाता है जी। हमारा भूत क्या था, भविष्य क्या होगा, ये हम नहीं जानते जी। हम अभी जिस रोल में है, जहाँ है जी, जिस भाव में जी रहे हैं जी, बस वही हमारे लिए सब कुछ है जी। वर्तमान को देखना पड़ता है जी। और जो कलाकार वर्तमान नहीं देखता है जी, उसके लिए आगे कुछ नहीं हो सकता है जी। हम अगर ये सोचें कि हम बड़े राजकुमार हैं, बड़े खानदान के लोग हैं, और एक भिखारी के रोल में हम कैसे जाएंगे जी, तो ये संभव नहीं है जी। हमको उस समय हम किस खानदान के हैं इससे कोई मतलब नहीं जी। हमको उस भाव में जीना है कि हम एक भिखारी कैसे जीता हो वैसे जीना पड़ेगा, कि ये वर्तमान सिखाता है। किसी अच्छे कलाकार ने कहा है, जैसा कि मुझे ज्ञात है, कि एक अच्छा कलाकार वही होता है जिसके एक आँख से आंसू गिरे और एक चेहरे पर मुस्कान भी खिलते रहे और दिखाई दे। सही कहा, हम भी वही भाव में जीते थे जी। तुरंत हंसना और तुरंत रोना जी, ये जनरल लोगों के लिए संभव नहीं है जी, लेकिन नाटक में मंच पर आने पर ऐसा करना पड़ता है और ऐसा जीना पड़ता है जी। हम बचपन में जब गांव में नाटक करते थे तो आंख से आंसू नहीं गिरता था जी, तो भिक्ष लगा लेना या खैनी का टुकड़ी डाल लेना जिससे आंसू गिरे जी, ऐसा करते थे जी। लेकिन जब भाव में जीने की आदत बन गई जी, तो अब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आँख से आंसू कितने लगता है जी। थोड़ी सी बात हुई नहीं कि आँख से आंसू गिरने लगता है, ये भाव होता है जी। और ये बाहर से नहीं होता है, दिल से होता है, अंदर से निकलता है, भावना से होता है जी। और जो जिस रोल में है उसमें भावना से अगर नहीं जुड़ेगा, दिल से नहीं जुड़ेगा, वो रोल उसका हो ही नहीं सकता जी। बेगूसराय की जो साहित्यिक सांस्कृतिक जो मिट्टी है, इसमें बहुत सारे कलाकार निकले और उन्होंने बहुत ऊंचे स्तर तक अपना रंगमंच पर अभिनय किया। आज के जो हमारे अतिथि हैं फिल्मी राय जी, यह भी बहुत ही नाटकों में, और ख़ास करके मुझे याद आता है वो फिल्मों का दौर, और उसमें जो वो फिल्म था टूटे न सन्हैया के दौर, उसमें जो नाई का किरदार इन्होंने किया था, वो आज भी हमारे मनोमस्तिष्क में बसा हुआ है और लगता है कि वही आज नाई यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आए हैं। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने किन किन नाटकों में काम किया और किस किस फिल्मों में आपने कौन सी भूमिका का अदायगी की? मैं नाटक में तो पहले तो गांव देहात के नाटक जो होते थे भागलपुरी स्टाइल का, उसमें काम करते थे जी। जब से पाल साहब के साथ काम शुरू किया है तो अच्छे अच्छे नाटक में काम किया, जैसे महाभोज हुआ, राजदर्शन हुआ जी, इस तरह के कबीरा खड़ा बाजार में, इस तरह के अनेकों, सिंहासन खाली है, अनेकों नाटक में काम किया जी। और बहुत अच्छे तरीके से इसमें हम लोग काम किए हैं जी, जो जिसका अभी तक कोई जोड़ा नहीं है जी। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और पाल साहब के सानिध्य में ही 3 फिल्म में काम किया है जी। एक टूटे ना सन्हैया की डोर जी, एक रामपुर का रेडियो जी, और एक सेफ्टी आइटम पर है रिफाइनरी का जी, उसमें काम किए जी। तो फिल्म में तो ये सब में जो भी रोल जहाँ मिलता है पर्सनालिटी के हिसाब से मिलता है जी, तो हमारा तो पर्सनालिटी था वैसा ही जी, छोटे कद के थे, वैसा कोई पर्सनालिटी खास नहीं था जी, लेकिन हमारे विचार में ये आता था हंसाने का काम जी। तो कॉमेडी में तो कोई भी फिगर रहेगा, कैसा हो फिगर रहेगा, वो हंसा सकता है जी। तो हम इसी रोल को लेकर चलते थे नाटक में भी जी।
कुछ सीरियस रोल भी मिला, जैसे महाभोज में हमने बिसु का रोल किया। अच्छा। तो उसमें रोने का काम था जी, उसके लड़के की मौत हो गई और राजनेता उसमें भोज मना रहे थे, अपना अपना रोटी सेक रहे थे, और हम किसी को कहने भी जाते थे तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, सब अपने अपने फायदे के लिए आते थे, धक्का दे के निकल जाते थे जी। तो इस तरह से रोने का भी काम किया, हंसने का काम किया, और छोटा छोटा नाई का रोल किया जी, फिल्म में जी, जिसमें न्योता देना है जी। अब वहाँ बोलना है कि सबको जन्मदिन पर घर में बच्चा हुआ है जमींदार के घर में, उस सब बच्चे को सब गांव वाले को बुलाओ भोज खिलाने के लिए जी। तो हम सीधे साधे गांव के नाई थे जी, जाके कह दिया कि मालिक के घर में बछड़ा पैदा हुआ है, उसी में सबको बुलाए हैं खाने के लिए जी। तो उनके बच्चा को नहीं कह के बछड़ा कह दिया जी, इस पे भी लोग हंसे जी। एक बुड़बक नाई का रोल किया, टूटे ना सनहिया के डोर में जी। नौता देने के लिए जाते थे, हीरो हमारा लिस्ट लेके और उसका हीरोइन का नाना का नाम काट के हटा दिया, उसके घर पर हम देवे नहीं किए, वो बेचारा भर रात भूखले रह गया जी। तब उसको फिर दोबारा से जाके मालिक जाके बोले हैं, तब वो आया है हम पर गुस्साए हैं जी। इस तरह का छोटा छोटा रोल, कैरेक्टर रोल आपने किया, किरदार ऐसा आपका ढूंढा गया कि जो आपके साथ सूटेबल हो जाए। हाँ, सूटेबल जी, और यही होना ही चाहिए जी। जो जिस फिगर में, सबसे पहली बात तो कि नाटक हो या फिल्म हो, उसमें पर्सनालिटी मस्त है जी, और पर्सनालिटी के बाद ड्रेस डिजाइन है जी, उसके बाद डायलॉग डिलीवरी है, वो तो हो ही जाता है जी, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये दो चीज़ मस्त है जी। हम जिस कद में हैं, जिस पर्सनालिटी में हैं, हमारे लिए जो रोल था वो हमको मिला। बिहार के बहुत सारे ऐसे नायक हुए जो कि मुंबई में या जहाँ भी फिल्म सिटी है वहाँ पर उन्होंने अपना किरदार अदायगी की, लेकिन आप सबों को जान करके अच्छा लगेगा कि हमारे जो बेगूसराय के बहुत सारे गांव ऐसे हैं, वहाँ का जो सिनेमेटिक सीन ऐसा है, वहाँ पर भी फिल्म के हीरो लोग आए थे मुंबई से, और उन्होंने वहाँ पर शूटिंग कर चुका है। ऐसा ही एक विद्यालय है बारों का मध्य विद्यालय, जहाँ पर सोनपुर का रेडियो नाम से एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, उसमें यह मुख्य भूमिका के लोगों के साथ जुड़े थे, कुछ किरदार भी निभाए थे, उसकी क्या कहानी है सर, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। रामपुर का रेडियो उस समय की बात है जिस समय गांव में कहीं रेडियो था ही नहीं जी। उस समय गांव के जमींदार बहुत शहर जाके रेडियो लाए जी, उस रेडियो के लाने में जी बैलगाड़ी से जाना, अपने बॉडीगार्ड को लेके जाना, वहाँ से रेडियो लाना, और रेडियो जब गांव आया तो गांव में उत्सव के तरह माहौल बना। वहाँ सारे गांव को न्योता भेजना, खाना पीना होना, ये सारी बात बैंड बाजा के साथ रेडियो को घर पे लाना, पंडित जी उसका पूजा किए, और पूजा करने के बाद जब वहाँ बजाने के लिए ले गए, सारा गांव के लोग बैठे हैं कि अब रेडियो कैसे बजेगा, इतना छोटा बक्सा से कैसे आवाज़ निकलेगा जी, कितने लोग इसमें घुसे हुए हैं, इन संशय के साथ लोग वहाँ बैठे थे। और जब स्टार्ट करने की बारी आई तो स्टार्ट ही नहीं हुआ जी। बैठे बैठे मिस्त्री आए, पूरा कनेक्शन देखा, उनको भी समझ में नहीं आया, तो एक आदमी आए और देखे कि बिजली का तार जोड़ा हुआ है ही नहीं जी, तो बजेगा कैसे जी। और जब वो बिजली का तार जोड़े जी, तो रेडियो का प्रोग्राम खत्म हो गया जी। वहाँ से प्रसारण आया कि अब हमारी सभा यहीं समाप्त होती है जी, कल फिर मिलेंगे जी। यही रामपुर के रेडियो की कहानी है। उसका शूटिंग किस तरह से बारों में हुआ? ये न्योता देने के क्रम में जी, स्कूल के शिक्षक हों या डॉक्टर हों जी, या और जो भी गणमान्य गांव के लोग हैं जी, उनके यहाँ न्योता देने के लिए हमको जाना था जी। उसमें जो बारो मिडिल स्कूल में जो शिक्षक थे जी, उनको न्योता देने के लिए हम गए जी। वहाँ क्लास में पढ़ा रहे थे, क्लास के अंदर जाके उनको हम न्योता दिया कि जमींदार साहब के घर यहाँ भोज है, आप आमंत्रित हैं, आप आइए और वहाँ सहयोग दीजिए जी। इस तरह से फिर डॉक्टर साहब के यहाँ गया जी, वहाँ उनको कहा जी, वो भी पेशेंट देख रहे थे जी, लेकिन उनका लिस्ट में नाम ही नहीं था जी। तो
पूरा हमको खोजवाए, हमको कहीं मिला नहीं जी। फिर कहे अच्छा ठीक है हम अपने जाके मिल लेंगे जी। तो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जमींदार के घर पहुँचे, फिर भी जमींदार उनको न्योता नहीं दिए, खाइए खाइए। फिर मायूस होके घर लौट गए जी। लेकिन शाम में फिर वो आ गए। इस तरह से नाटक बड़ा, ये फिल्म बड़ा रोचक था, बहुत अच्छा था जी। और नए तरीके से था, जो गांव के लोग कभी रेडियो देखा नहीं था उनके सामने रेडियो आया तो सब लोगों को अच्छा लगा। कौतूहल का विषय उस बन गया था गांव में कि रेडियो क्या है और किस तरह से पूरा भोज भात जग प्रयोजन जैसे होता है वैसे हुआ। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। जब नाटक का आपने अभिनय किया अपने नौकरी की रेलवे में, उसके बाद से प्ले स्कूल कैसे खोले और उसके बारे में कहाँ से सोच आई और किस तरह से भी चला रहे हैं, थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों को आप बताने का प्रयास करें। देखिए जो भी सोच बनता है बचपन में हर किसी के दिमाग में या माहौल में जो भी मिलता है वही बड़ा होकर वृक्ष बनता है और वही लोग समाज को देते हैं जी। हमारे बचपन में भी कुछ ऐसे लोग मिले जो हमको बहुत प्यार किया और हमारे साथ बड़ा दुलार प्यार के साथ चला, तो हम भी जब बड़े हुए तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी सबको प्यार करें, सबके साथ खेलें, और वो खेलने का काम तो बच्चों से ही हो सकता है जी। तो ड्यूटी में भी थे तब भी हम अपने गांव के मोहल्ले के बच्चों के लिए कुछ न कुछ लोहे का या लकड़ी का खिलौना बना के लाया करते थे, झूला लगाते थे। लेकिन ग्रामीण माहौल में ऐसा होता था कि आपस में लड़ जाते थे लोग और फिर उनके गार्जियन लड़ने लगते थे जी। इस सब को लेके हम बड़े मायूस हुए और खेल का सामान बंद करके रख दिया जी। लेकिन मन नहीं माना जी। प्रेम जहाँ मिलता है वहाँ कितना हूँ आप भगाइए वो भागेगा नहीं जी। तो हमारा भी मन नहीं माना तो हम कोशिश किए कि अब क्या करें जी। फिर मन में आया कि हम ऐसा क्यों नहीं करें कि एक प्ले स्कूल खोले जिसमें खेल खिलौना हो और बच्चे आराम से खेलें, सिविलाइज लोग रहें, टीचर लोग रहेंगे उसको अच्छे से प्यार करेंगे और हम लोग भी रहेंगे तो हम भी प्यार करेंगे जी। इस तरह से सोच बना प्ले स्कूल का जी। फिर अपने ज़िले में देखा कि कहाँ कहाँ प्ले स्कूल है, उसमें क्या होता है नहीं होता है, इस तरह का आइडिया लिया। फिर अपने गाँव में खोला जी। और हमको अपने गाँव की मिट्टी से बहुत प्यार है जी। भले हमारे गाँव को लोग बुरबक कहते हैं, बालो गांव फेमस है बुरबक में जी, लेकिन हम नहीं समझते हैं, कहने वाले बुरबक हो जाते हैं लेकिन हमारे गांव के लोग तो बड़े उदार विचार के हैं जी। बड़ा प्यार करते हैं सबसे, किसी से भी, वो छल प्रपंच नहीं जानते हैं जी। इस तरह से हम भी यही योगदान देना चाहते हैं कि हम भी कुछ करें गांव के लिए जी, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जी। एक कहा कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है जी। तो जिसको अपने या अपने समाज पर या अपने परिवार पर भरोसा नहीं है जी, तो वो किसी काम का नहीं है जी। यही भावना लेकर हम अपने गांव में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं और शुरू से ही, जैसे हमारे गांव में पुस्तकालय नहीं है तो शुरू से ही जब से भी नाटक से जुड़े रहे हम लोग जो मंडली में रहे, ये प्रयास करते रहे कि कुछ हो, अच्छा वातावरण बने, अच्छे लोग मिले जी। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका और हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, जैसे जैसे लोग मिलते गए आगे निकलते चले गए जी। और अब जब मौका मिला, रिटायर हुए हैं, तो समय तो पूरा बदल चुका है जी। अब तो सब लोग मोबाइल पर और टीवी पर जुड़े हुए हैं, सरजमीन पर तो कोई है नहीं जी। और ना किसी से कोई बात कर सकते हैं जी। अब तो सरकार भी ये कानून बना दिया है कि सामाजिक दूरी बना के चलिए जी। समाज तो ऐसे ही पहले से दूरी में है जी। अब तो कानूनी रूप से हम लोग कोरोना काल में इस तरह से अब चाहते हुए भी कुछ हो नहीं रहा है जी। फिर भी हम लोग तो सतत प्रयत्नशील हैं कि कुछ करना ही है जहाँ तक संभव हो जी। एक ईंट ही उठा के हम हटा दिए यही काफ़ी है जी। फिर कोई आएंगे तो दूसरा ईंट उठाएंगे जी। अपने भर जो प्रयास हो, जो संभव हो, उतना करना चाहिए जी।
जब एक कलाकार आते हैं तो उस कलाकार की पहचान उसकी कला होती है, उसकी संवाद अदायगी होती है और उसकी बाकटुटा होती है। आज हमारे इस स्टूडियो में के वी स्टूडियो के खास पेशकश कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के स्टार्स ऑफ बेगूसराय के कार्यक्रम में हमारे बीच बारह गाँव के निवासी फिल्म राय जी यहाँ पर आए हैं। ये विभिन्न जगहों पर अपनी अभिनय के माध्यम से लोहा मनवा चुके हैं और बारो के उसके आसपास के गांव और शहर के लोग भी इनको सुन चुके हैं, देख चुके हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सर आप हमारे इस स्टूडियो में आए हैं और आप इस अपनी संवाद अदायगी के लिए और अपने एक्सप्रेशन के लिए प्रसिद्ध हैं लोगों के बीच में, तो कुछ अपने क्षमता को, कुछ अपने अनुभवों को यहाँ पर दिखाने का काम करें। मैं कबीरा खला बाजार में एक मौलवी का रोल किया तो उसके जो दारोगा थे, दारोगा ही कहिए, उस समय के कप्तान जो हुआ करते थे जी, तो मौलवी और कप्तान में दोस्ती रहता था। मतलब जो गलत आदमी है उनकी पैरवी करके उनको दारोगा से, कप्तान से उनको परेशान करवाना, ये सब चलता था जी। तो कबीर के टाइम में यही होता था, मौलवी जो कहता था वो राजा और कप्तान उस तरह का काम करते थे और जनता को परेशान करते थे जी। तो उसी में हम मौलवी का रोल किए थे जी। तो हम दारोगा के पास गए, कबीर जो सब जगह सत्संग करते थे और भंडारा करते थे तो वातावरण खराब हो रहा था हम लोगों की नज़र से जी, इसलिए वहाँ दारोगा के पास गए। हमने ये डायलॉग बोला, कमाल है साहिब, चिराग तले अंधेरा, आप शहर के कोतवाल हैं और आपके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। फिर कोतवाल बोले कि क्या हुआ बताइए, देख रहे हैं कबीर दास जहां तहां भंडारा शुरू कर दिया है, जाति पाति का भेद खत्म कर दिया है, इस तरह से तो किसी को भी रहना मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा कि कबीरा खरा बाजार में इन्होंने किस तरह का कुछ अदायगी की थी उसका आपने झलक देखा। मैं चाहता हूं कि महाभोज का जो आपने रोल किया था और उसमें जो आपने विशु का किरदार अदायगी की थी, कुछ उसके संवाद यहाँ पर बताएं और किस तरह से आपने अभिनय में डूबा था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये कलाकार जो होता है अपने अभिनय में इतना डूब जाता है कि 3-4 घंटे उसी के बारे में सोचते रहता है, तो थोड़ा सा दर्शकों को ये दिखाएं कि आप किस तरह से उसमें रोल किए थे। मैं क्या करता सर, मैं क्या करता, मेरा बेटा मर गया, मैं सबको कहने गया लेकिन कोई हमारी बात को नहीं सुना, सब लोग हमको धकिया देते थे साहिब, सब लोग हमको धकिया देते थे, मैं क्या करता। इस तरह बहुत ही अच्छी आपकी अदाकारी है, इसीलिए तो आपको आज भी लोग फिल्म अदा के नाम से याद करते हैं और वरिष्ठ रंगकर्मी के रूप में आपको एक सम्मान का दर्जा देते हैं। आप हमारे इसके भी स्टूडियो में आए हैं, मैं चाहता हूं कि आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, आप देख रहे हैं कि पहले लोगों के पास संसाधन नहीं हुआ करते थे, नाटकों के पर्दे नहीं हुआ करते थे, लोग समाज के सहयोग से एक नाटक का मंचन करते थे। आज समाज में भौतिकता का विकास हो चुका है, साहित्य संस्कृति में लोग का उत्थान हो चुका है, लेकिन फिर भी जो नाटक हैं गांव घर के वो कहीं ना कहीं मृतप्राय हो चुके हैं। इस पर अगर आप कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारी नई पीढ़ी को तो आप दें। मेरा मानना है कला दिल का चीज है जी, आत्मा जब तक गरीबी में कला पैदा होता है, किसी अमीरी में पैदा नहीं होता है, जो दिल का ठोकर खाया हुआ है वही कलाकार बन सकता है जी। जिसके दिल में चोट नहीं लगा है वो कलाकार हो ही नहीं सकता है जी। तो हम लोग जिस समय काम करते थे उस समय कोई साधन नहीं था, आपस में चंदा करके या गांव वाले से मांग कर सारी व्यवस्था किया करते थे, चौकी उठा के लाना, मंच बनाना, बांस खम्भा कुट्टी लगाना, सब लोग अपने करते थे जी। रिहर्सल में अपने घर से खाना खाना या चाय पीना या जो भी होता था जी। और इसी तरह हम लोग आपस में मिलजुल के ही नाटक करते थे। नाटक करने का मकसद था कि आत्मिक शांति जी, दुनिया को जो भी अच्छा लगे वो अलग की बात है जी, हर कलाकार को अपने मन में शांति मिलती थी जी, इसलिए हम लोग करते थे जी। नाटक इस कदर हम लोग करते थे, उस समय कोई किसी का सहयोग नहीं, जो गांव वाले या समाज वाले जो भी चंदा देते थे उसी में मैनेज किया जाता था जी।
और हम लोग दिलो जान से उसमें लगे रहते थे जी। आज बहुत सारा फंड सरकार देती है जी, पैसा देती है, सारी व्यवस्था देती है, ट्रेनिंग देती है, NSD से पास आउट लोग आते हैं, हर तरह की बात है, हर तरह की सुविधा है, लेकिन दिल से नहीं करने का उद्देश्य सबका कला से नहीं है, उद्देश्य पैसा कमाने से है जी। और जहाँ ये बात आती है पैसा कमाने का, तो वहाँ कला जिंदा नहीं रह सकता है जी। कला तो एक अलग चीज है जी, दिल से जो निकलता है भाव वो कला कला है। और ये पैसे पर प्रेशर पर हम इतना पैसा देंगे, आप ये कीजिए वो कीजिए, वो संभव नहीं है जी। तो हम लोग जब भी काम किए दिल से किए, क्योंकि उस समय साधन भी नहीं था और लगन था, दिल से करने की इच्छा थी जी। और अभी साधन है लेकिन करने वाले लोग नहीं हैं जी, कलाकार नहीं है जी। एक ही कलाकार इस टीम में काम कर रहे हैं, उस टीम में काम कर रहे हैं, हर जगह घूम के कर रहे हैं जी। फिर भी वो भाव पैदा नहीं हो सकता है जो पहले निकलता था जी। वह 90 और 95 का दौर हुआ करता था जब हम लोग बचपन में होते थे और अपने गांव के नाटकों को देखने के लिए ठंड का मौसम हो, वह छठ का पर्व का समय हो, वह दुर्गा पूजा का समय हो, बच्चे अपने घर से बोरा और कम्बल लेकर के आते थे और महफिल जमती थी, वो भी क्या शाम हुआ करती थी, वो भी क्या कलाकार हुआ करते थे, क्या खूब हुआ करते थे। उसी पर आइए आज हमारे इसके भी वीडियो के खास पेशकश कहता भी उसे बढ़ता बेगूसराय में खुना राय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और संजोग देखिए कि यह बरौनी प्रखंड के 12 गाँव के निवासी हैं, जिस 12 गाँव के बारे में लोग कहीं ना कहीं चर्चाओं में कुछ करते हैं और खुद हंसते हैं और लोगों को हंसाते भी हैं। सर आप हमारे इस स्टूडियो में आए हैं तो अगर 12 गाँव की चर्चा नहीं हो और अपने ग्रामीण परिवेश का बात नहीं और हंसी की महफिल नहीं जमे तो वो क्या महफिल होगी। आप सर अपने गाँव के बारे में कुछ बताएँ जिससे कि दर्शक जाने और कुछ हंसे भी। हमारे गाँव के विषय में तो पूरे ज़िले में सब लोग बालों को तो बुड़बक करके ही संबोधित करते थे जी। एक हमारा चिंतन है अपने मन का जी, जिस तरह से विश्व में वो अक्षर से सब शुरू हुआ है जी। विश्व में भारत अगर किसी देश में जाता था तो उसको हे दृष्टि से लोग देखते थे पहले जी। भारत में अगर किसी राज्य में आप जाइए तो बिहारी कह के आपको बुड़बक बनाते थे जी। बिहार में आप किसी जिले में आप जाइए तो बेगूसराय वाला कह के आपको बलंथ बुर्बक कह के आपको संबोधित करते थे जी। बेगूसराय में किसी गांव में आप जाइए तो बाड़ो वाला कह के आपको बुर्बक बनाते थे जी। और पूरे बाड़ो में हम जिस मोहल्ले में हैं उस मोहल्ले का नाम बिशनपुर है। अच्छा। उस बिशनपुर वाले को कह के बुर्बक बनाते थे जी। और पूरे बिशनपुर में एक हम बचे जी। जो एकदम बुड़बक है जी। कुछ बुझने नहीं आता है, कुछ समझने नहीं आता है, सिर्फ हंसने और हंसाने का काम करते हैं जी। हमारे गांव में अनेकों किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं जी। जैसे नदी में खटिया फंसा जा रहा है तो छोटी खटिया को भेज के उसको बुलाते थे कि आजा आजा तुम्हारा बच्चा यहाँ है जी। इस तरह से एक पाया पकड़ के बच्चा झूल रहा है, उसके हाथ में भूंजा डाल दिए तो लोग कहते थे कभी हाथ काट दे या पिलर को तोड़ दे तब बच्चा ही छूटेगा। एक दूसरे गांव के लोग आए और गमछी में भूंजा को ले लिए और बच्चे को आज़ाद करा दिए। इस सब में एक अलग सोच था जी। बच्चा बदमाश था, उसको प्रताड़ित करने के लिए, उसको समझाने के लिए ऐसा सजा उस घर वाले दिया करते थे जी। लेकिन जो राहगीर थे, जो बाहरी लोग थे, वो समझ रहे थे कि बच्चे को तंग कर रहा है, तू अपना अकल वहाँ दिखा दिए। जबकि हम लोगों को बच्चे को समझाने के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन हमारे गांव के लोग उसी नाम पर बुड़बक बना दिए। अब जैसे एक कौवा सीढ़ी पर चढ़ के छत पर पहुँच गया जी। अब हमारे गांव के लोग सीढ़ी हटा दिए और कौवा को कह रहे हैं कि अब छत पर से तुम नीचे कैसे उतरोगे। उसका कारण था कि दूसरे गांव के लोग, जो कौवा एक आम लेके भागा था, उस आम के पीछे वो दौड़ रहे थे कि हमारा आम लेके भाग गया है जी। अब उस कौवा को दबा रहे थे जी। तो बाड़ों में तो विद्वान थे, काकी भाषा जानने वाले थे जी। और कौवा कह रहा है कि हमारी रक्षा करो जी। तो उस पहलवान से तो उनको भी डर लगा, तो दिमाग से अकल से काम लिए कि आप ऐसा कीजिए कि आप छत पर चढ़ जाओ, हम बचाते हैं जी। और सीढ़ी हटा लिए, काहे सीढ़ी रहता तो वो पहलवान छत पर चला जाता जी।
तो उनके लिए हटाया और ये कौवा को इंगित करके कहे कि अब तुम उतरो, कैसे उतरेगा। ये बाबू हंसते हंसते वहाँ से लौट गए और हमारा गांव बुड़बक हो गई। सर, आपके भी स्टूडियो में आए और आपने अपना बहुत कीमती वक्त यहाँ पर दिया और विभिन्न बातों पर आपने बहुत प्रकाश डाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, डॉक्टर रोशन जी का भी बहुत बहुत आभार, जो हमारे जैसे छोटे कद के लोगों को यहाँ बुलाकर और ऐसा समय दिया और इतना उपयोग किया हमारा, ये इसके लिए दिल से आभार आपका है और डॉक्टर रोशन जी का भी है। बड़ी कृपा है जो हमारे जैसे भूले भटके लोगों को ऐसा जगह दिया है। ये भी स्टूडियो का यही प्रयास है कि बेगूसराय के जितने भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जितने भी लोकप्रिय व्यक्ति हैं या जितने ऐसे गुमनाम व्यक्ति हैं जिनकी कहानियों को लोग पहले जानते थे आज नहीं जान पा रहे हैं, उसको एक ऐसा मंच मिले कि लोग उनको जान सकें, उनको पहचान सकें और उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में भी कुछ कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी वीडियो को देखते रहें, इसके पोस्ट को शेयर करें, लाइक करें और अपने भावनाओं को कमेंट के रूप में व्यक्त करें। धन्यवाद। हे हो भाई, हम इन छियो बालों के, हमरे लोग कहे छे बालो वाला फूलो दा कि फूलो वाला बालो दा, कत्ते ओठर के कत्ते मेहनत के आ तकर बाद बुझो कि जे जैसे कि जे राम जी के कृपा से हमें नाटको कलिए, नौकरियों कलिए आ तकर बाद देखे छो जे इसकुलो चला रही है, बैठल नहीं रह के छो, एकदम काम में लगल रहो, सकारात्मक सोच रखो, कुछ खलत रहो तभी आगू बढ़ो, नकारात्मक सोच से कुछ नहीं हुए वाला छो, चिंता में पड़ल रह गए परेशानी होतो, आ सकारात्मक सोच में ऊर्जा मिलतो, ताकत मिलतो, आगे बढ़ो, आ सब लोग मानतो, कहीं कोई दिक्कत नहीं हेतो। हे मोन के बात छे, नाटक जरूर करो, सब बोली विचार सब बदल जेतो, बहुत अच्छा चीज है, एकरा में कोई संशय नहीं रखो मन में, खाली मोबाइल देखला से कुछ हुआ वाला छो, तू कुछ करो, हमू कहियो बैठल नहीं रहिए, कुछ न कुछ करत रहिए, स्कूल से लेके नौकरी से लेके नाटक तक एकदम चलत रहिए, कभी रुकलिए नहीं, आइयो रुके के मन नहीं छे, लेकिन जब समय आ जाते तो रुकइए पड़ते, वो तो प्रभु की कृपा होते। बहुत बहुत धन्यवाद।